आगामी चुनाव 2024 के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी ने भी अपना प्लान तैयार कर लिया है। इसी को लेकर एक बार फिर से सपा मुखिया अखिलेश यादव मैदान में उतरकर यूपी में पीडीए की रफ्तार तेज करने की कोशिश में लग गए हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को एकजुट करने में लग गई है। इसी को लेकर सोमवार को यानी 30 अक्टूबर को अखिलेश यादव पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर साइकिल चलाकर सभी को साधने का काम करेंगे। इसकी जानकारी समाजवादी पार्टी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दी है। समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्टर पोस्ट किया, जिसमें लिखा, कल दिनांक 30 अक्टूबर को लखनऊ में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जनेश्वर मिश्र पार्क तक पीडीए साइकिल यात्रा में सम्मिलित होंगे। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव गोसाईगंज में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से साइकिल चलाएंगे। इसके बाद लखनऊ स्थित जनेश्वर मिश्र पार्क तक साइकिल से जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव जनेश्वर मिश्र पार्क में जनेश्वर मिश्र की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इस तरह से 2024 चुनाव को लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी मिशन 80 की तैयारी में जुट गई है। लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी साइकिल यात्रा से कई वर्ग के लोगों को जोड़ने में कितनी कामयाब होती है, ये देखने वाली बात होगी।